हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्थ एंड ब्यूटी स्टेशन में। तो आज जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है लैक्मे 925 सीसी क्रीम। सीसी क्रीम यानी कि कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। ये क्रीम के बहुत फायदे होते हैं, ये मेनी इन वन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो सीसी क्रीम की वजह से आपको मॉइस्चराइजेशन मिलता है, आपको कवरेज मिलता है और आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो भी कवर होते हैं। और अगर सीसी क्रीम में SPF होता है तो आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सीसी क्रीम एक मल्टीपर्पज क्रीम होता है जो आपको एवरीडे एक नेचुरल और ब्राइट लुक देने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लैक्मे 925 सीसी क्रीम ये एक इंस्टेंट स्किन स्टाइलिश क्रीम है जो आपको मॉइस्चराइजेशन देती है, स्किन ब्राइट करती है, कंसील करती है और इवननेस देती है स्किन को। क्रीम के पैकेजिंग की बात करें तो ये ब्राइट पिंक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है और क्रीम के ऊपर इसके शेड का नाम लिखा होता है। इसमें SPF 30 है ये भी मेंशन्ड है। तो ये क्रीम की क्वांटिटी है ये 30 ग्राम है और इसकी प्राइस जो है ये 325 रुपीज MRP है। और इसको यूज कैसे करना है ये इसके पीछे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। लैक्मे 925 सीसी क्रीम 4 डिफरेंट शेड्स में आती है जो होते हैं एलमंड, हनी, बेज एंड ब्रॉन्ज शेड। तो बेज शेड जो है ये लाइटर कॉम्प्लेक्शन के लिए है और ब्रॉन्ज है ये डीपर कॉम्प्लेक्शन के लिए है। और एलमंड और हनी जो शेड्स है ये भी स्लाइटली डीपर कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो लाइटर टू डीपर कॉम्प्लेक्शन के लिए लैक्मे 925 में अच्छी वराइटी है। तो अभी मेरे पास 2 शेड्स है, एक है बेज जो कि लाइटर है और एलमंड जो कि डीपर साइड में आता है। तो अब मैं आपको इसका इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ और दोनों के शेड्स भी दिखाती हूँ। तो जो इनर पैकेजिंग है ये रोज गोल्ड ट्यूब में आता है। इसके ऊपर भी सेम इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग में लिखी है। तो अब मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। टेक्सचर जो है ये बहुत ज्यादा रनी नहीं है और बहुत ज्यादा थिक नहीं है। तो इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम है और टेक्सचर जो है ये क्रीमी है। अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ शेड ये बेज शेड है और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इजीली स्किन में एब्जॉर्ब होती है और इजीली स्किन में ग्लाइड हो जाती है और इंस्टेंट ब्राइट लुक आपको इससे मिलता है। जैसे कि आप कंपैरिजन देख सकते हो दोनों हाथों में, ये क्रीम जो है ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे और स्किन पे कोई भी ऑयलीनेस या स्टिकीनेस नहीं रहता आफ्टर इट गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू योर स्किन। तो आपको अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन भी है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं आपको एलमंड शेड दिखाती हूँ। ये स्लाइटली डार्कर है बेज शेड से, टेक्सचर वाइज ये सेम है बट थोड़ी सी डार्कर शेड है। तो डीपर कॉम्प्लेक्शन जिनकी है वो इसको चूज कर सकते हैं। ये भी अच्छे से ब्लेंड हो रही है और अच्छा कवरेज बिल्ट अप हो रहा है। ये है एलमंड शेड। तो लैक्मे 925 सीसी क्रीम का जो फ्रेग्रेंस है ये माइल्ड सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, ये ओवरपावरिंग नहीं है और इससे आपको कोई इरिटेशन नहीं होता। इसकी स्टेइंग पावर अच्छी है, ये ऑलमोस्ट 6 to 7 hours तक रहता है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली इसमें SPF 30 PA++ है तो इससे एजिंग प्रोटेक्शन मिलता है आपको और सनस्क्रीन अलग से लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और ये अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। तो स्किन के लिए मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो इस क्रीम से आपको मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो नेचुरली ब्राइटनेस दिखना चाहिए डे टाइम में वो इससे आपको मिलता है। तो ये क्रीम से आपको इनफ कवरेज मिल जाएगा, मॉइस्चराइजेशन मिल जाएगा, सन प्रोटेक्शन मिल जाएगा और आपका कॉम्प्लेक्शन इवन आउट हो जाएगा।
तो आपके जो इम्परफेक्शंस है स्किन के, ये इससे हाइड हो जाते हैं और आपको मैट फिनिश मिलता है। डे टाइम में जो परफेक्ट लुक चाहिए होता है ये इससे मिलता है। ज़्यादा हाई कवरेज नहीं है इसका, बट डेली आपको हाई कवरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक लाइट मेकअप एंड प्रोटेक्शन प्रोडक्ट करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो क्विक रिव्यू लैक्मे 925 सीसी क्रीम का मेरे साइड से ये है कि इस क्रीम से आपको एक मैट फिनिश मिलता है, इससे आपको अच्छी कवरेज मिलती है, सन प्रोटेक्शन मिलता है, ये स्क्रीन को मॉइस्चराइज करती है और ब्रेकआउट नहीं होता इससे, और ये वार्म अंडरटोन्स के लिए सूट होती है। अच्छे 4 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है, तो डिफरेंट स्किन टाइप्स के पीपल डिफरेंट स्किन टोन्स चूज कर सकते हैं। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको इजीली आपके बैग में कैरी कर सकते हो। तो ये था मेरे साइड से लैक्मे 925 सीसी क्रीम का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।